न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अक्षा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महिला को 3 दिन तक किया टॉर्चर, पति पर चोरी के आरोप में सजा। हमीरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दो दरोगा ने महिला को 3rd डिग्री देते हुए बेरहमी से पीटा। महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें भी आई है। पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने एक्शन लेते हुए आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस थाने में महिला को बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दारोगा ने 3 दिन तक महिला को 3rd डिग्री देकर टॉर्चर किया और उसके घर जाकर तोड़फोड़ भी की। रविवार को दारोगा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक हमीरपुर शुभम पटेल ने एक्शन लेते हुए लाइन हाजिर किया। पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल का कहना है कि रात कोतवाली में तैनात दारोगा देवी दीन के द्वारा चोरी के आरोप में बिलरख गांव की रहने वाली महिला को बेरहमी से पीटा गया। एसआई देवी दीन को लाइन हाजिर किया गया। प्रकरण की जांच राज सीओ अभय नारायण राय को सौंपी गई। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे भी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति सीताराम लोधी पर किसी ने चोरी का आरोप लगाया था। पति को पकड़ने पुलिस घर पर आई थी। उस दौरान दारोगा देवदीन ने महिला पुलिस को बाहर भगा दिया, फिर घर का दरवाजा बंद कर उसे डंडे से जमकर पीटा। महिला के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। दारोगा देवदीन और अन्य पुलिस कर्मियों ने घर पर तोड़फोड़ भी की और 3 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा, जिसके बाद राठ के सरकारी अस्पताल में उसका मेडिकल प्रशिक्षण कराकर शांति भंग की धाराओं में उसका चालन कर दिया गया। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत के माहौल में है। हमीरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पर दारोगा ने महिला को 3rd डिग्री देते हुए बेरहमी से पीटा। महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने एक्शन लेते हुए आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस थाने में महिला को बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दरोगा ने 3 दिन तक महिला को 3rd डिग्री देकर टॉर्चर किया है और उसके घर जाकर तोड़फोड़ भी की है। रविवार को दरोगा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक हमीरपुर शुभम पटेल ने एक्शन लेते हुए लाइन हाजिर किया। पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल का कहना है कि राठ कोतवाली में तैनात दरोगा देवी दीन के द्वारा चोरी के आरोप में बिलरख गांव की रहने वाली महिला को बेरहमी से पीटा था। पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल का कहना है कि राठ कोतवाली में तैनात दरोगा देवी दीन के द्वारा चोरी के आरोप में बिलरख गांव की रहने वाली महिला को बेरहमी से पीटा था। एसआई देवी दीन को लाइन हाजिर किया गया है। प्रकरण की जाँच राठ सीओ अभय नारायण राय को सौंपी गयी। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति सीताराम लोधी पर किसी ने चोरी का आरोप लगाया था। पति को पकड़ने पुलिस घर पर आई थी। उस दौरान दरोगा देवी दीन ने महिला पुलिस को बाहर भगाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर डंडे से उसको जमकर पीटा। महिला के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। दरोगा देवी दीन और अन्य पुलिस कर्मियों ने घर पर तोड़फोड़ भी की है और 3 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा है, जिसके बाद राठ के सरकारी अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण कराकर शांति भंग की धाराओं में उसका चालान कर दिया गया है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।